हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मतलब ये कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लावर होता है, तो फ्लावर में एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको पिस्टिल कहा जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन के ऊपर एक बॉक्स जैसा पोर्शन होता है, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि एंथर कहा जाता है। उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। ये मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट में क्या होता है, पिस्टिल में सबसे नीचे जो सोइलिंग पोर्शन होता है वो ओवरी कहलाता है, उसके ऊपर स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के अंदर, मतलब ये कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका स्टिग्मा तक आना, जो स्टिग्मा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर का पोर्शन, तो इन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक आना, इसी को पोलिनेशन कहा जाता है। पोलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलिनेशन में जब ये होता है कि वो स्टिग्मा तक के पॉलन ग्रेन्स आए तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके वो जो पिस्टिल का सबसे नीचे पोर्शन होता है ओवरी, ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं, उससे जाकर के फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ये कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट से फ्यूज हो जाते हैं और ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में बदल जाती है। ये आमतौर से होता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि पॉलिनेशन ना हो, पॉलिनेशन के हुए बगैर ही जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाए, वो मेच्योर हो जाए, तब इसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। मतलब पहले तो ये होता है कि पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो करना शुरू होती है और उसके अंदर सीड बन जाता है। लेकिन पॉलिनेशन ही ना हो, जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं होता। अब पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ओवरी जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई, ओवरी ग्रो करके फ्रूट में बदल गई, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो फिर फ्रूट वो फिर सीड में नहीं बदलेंगे। तो जब वो सीड में नहीं बदलेंगे तो वो सीडलेस फ्रूट होगा। तो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उसमें सीड नहीं होता। तो पार्थेनोकार्पी यही होता है कि विदाउट पॉलिनेशन अगर ओवरी ग्रो करके ओवरी मेच्योर होकर फ्रूट बन जाए तब उसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी में यही खास बात होती है कि उसमें सीड नहीं बनता है, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर उसमें सीड बनने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसी को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।